क्यों नहीं चल पाती, वजह क्या? नहीं सर, अगर फिल्मों का देखा जाए तो एक सलाखें अपने दौर में हिट हुई थी और अभी रॉन्ग नंबर 2 ने भी बहुत बड़ा बिजनेस किया था। रॉन्ग नंबर 1 सुपर हिट थी, रॉन्ग नंबर 2 इतनी ज्यादा हिट नहीं थी। अरे भाई तू कैसे, रॉन्ग नंबर 2 हिट थी भाई, थी 1 वो ज्यादा हिट थी ना, 2 से कम हिट थी। चले क्या दिया, हिट हो गया, ठीक है। अच्छा मैं मान गया, नहीं हिट, आगे बात करें। मैंने सुना आप बहुत सच बोलते हैं, इसलिए आज आप सच ही बोले, कोई ऐसा मसला नहीं है। लीलो रहमान कमर ने जो पहली फिल्म लिखी थी, ठीक है, सुपर डुपर हिट थी, जो हाँ। उन्होंने अगली फिल्म लिखी काफ कंगना, ठीक है, हाँ। उस वो क्यों फ्लॉप हो गई, उसके अंदर आप थे शायद इस वजह से, क्या सर? देखिए शायद यू नेवर नो यार, आप ये लफंगे और गुम की बात करूं क्या, उस पे मिट्टी पाए? नहीं नहीं नहीं, बात करें करें करें। मुझे बताया कभी आप ट्राई कर लें, ठीक है, मेन लीड हीरो के बजाय ना साइड वाले काम करें, जिधर सलाखे में, ठीक है, साइड है कि वो सुपर हिट हुई थी, कभी ट्राई करें, हीरो का भाई बन जाए, हीरो का दोस्त बन जाए। इतने प्रोजेक्ट, इतने ज्यादा काम इसलिए करते हैं कि आप पैसे बहुत कम चार्ज करते हैं, वाठी बहुत कम चार्ज करते हैं, वाठी। ये क्या तुम्हारा मैनेजर है, क्या मसला क्या इसका? सुना मैंने कैसे, ठीक है, कि ना एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने ना आपके साथ काम करने से ना मना कर दिया, तो उन्होंने वजह ये बताई थी कि ना उनको ना जो पहला पिछला प्रोजेक्ट किया था ना, वो एज डिफरेंस होने की वजह से काफी ज्यादा ना उन्होंने बैकिंग हुई, उन्होंने कहा मैच अंकल के साथ काम नहीं करूंगी, उन्होंने मना किया कि अलीदे शाह का नाम नहीं लेना। एक बहुत बड़े राइटर और डायरेक्टर है, ठीक है, उन्होंने शूट पे आपको ना डांटा था बहुत ज्यादा और फिर आपने उनसे सॉरी की थी, बात ठीक है? नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं है। उनका नाम कैसे शुरू हुआ था? मैं ले लेता हूँ, आप खलील साहब की बात कर रहे होंगे, लेकिन खलील साहब से पूछ लें, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि उन्होंने सॉरी किया था, आप कहते हैं उन्होंने सॉरी का पता नहीं। देखिए मेरे बड़े हैं, अगर वो डांटेंगे तभी मैं सॉरी कह दूंगा, मुझे सिखाया गया।